यशवंत जी, जिस तरह से आप मार्गदर्शक कमेटी में थे, आप मार्गदर्शक कमेटी में थे ना सर? नहीं, हम नहीं आप उसमें, नहीं थे। ओके, तो मुझे जिसका लगा हमें कि कोई आप गिला, कोई तो उसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि ओके हम सब जानते हैं आज क्या हुआ। जी। तो बट जिन जो लोग मार्गदर्शक कमेटी में थे, तो कभी उन लोगों ने इस करंट सरकार को मार्गदर्शन नहीं दिया नोटबंदी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, या उन्होंने सोचा कि भाई तुमने हमें साइडलाइन कर दिया है तो हम तुम्हें कोई सलाह नहीं देंगे, तुम बहुत चौधरी बन रहे हो तो अपना बनो, करो, फेल हो गए तो फिर जो जहां तक जनता मेरी कहेगी उसको जानकारी, देखेंगे। हाँ मेरी जानकारी ये है कि मार्गदर्शक मंडल बना अवश्य, जी उसमें अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग थे, सरकार के जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उस समय के थे, लेकिन उसकी कभी बैठक नहीं, अच्छा उसकी कभी बैठक हुई ही नहीं। और उसका एक जो कहते हैं नेचुरल डेथ, वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा ही वो समाप्त हो गया। तो मार्गदर्शक मंडल में जो लोग थे वही इस बात का जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो क्या परोक्ष रूप से सरकार को कभी कोई मशविरा दिया, नहीं दिया। यहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कभी ये धृष्टता नहीं की क्योंकि मैं अपना स्थान जानता था और शुरू में ही मुझे पता चल गया था कि इस सरकार को मेरे जैसे तुच्छ लोगों की के मशवरे की सलाह की आवश्यकता नहीं। नहीं है।